अगर आप एक एजुकेटर हैं, टीचर हैं या फिर वीडियो क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे डिजिटल बोर्ड को यूज़ किया जाता है क्लासेस लेने के लिए और कैसे आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड हम सभी के घरों में ऑलरेडी अवेलेबल है एक टीवी के फॉर्म में। बस ज़रूरत है एक डिवाइस की जो आपके पुराने टीवी को इंटरैक्टिव टच पैनल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। जो डिजिटल बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा पुराना टीवी है जिसे मैंने ट्यूटर प्लस डिवाइस की हेल्प से डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैसे करना है इसके लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यहाँ पर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी टीवी से ही इस डिवाइस को कनेक्ट करके बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं ट्यूटर प्लस की क्विक अनबॉक्सिंग के साथ। इस बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहला है आपका ये चार्जिंग केबल, HDMI टू HDMI केबल, दिस इज़ योर स्टाइलस, और स्टाइलस को चार्ज करने के लिए ये वायर दिया गया है आपको। कुछ मैनुअल्स हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। दिस इज़ योर मेन डिवाइस विच इज़ ट्यूटर प्लस। इसका रिमोट है जिसे आप इस वायर से चार्ज कर सकते हैं। कुछ एक अडेप्टर्स दिए गए हैं और ये है USB टू टाइप सी केबल। और ये है हमारा मेन डिवाइस विच इज़ ट्यूटर प्लस, और इसको हमें प्लेस कर देना है अपने टेलीविज़न के ऊपर। ये जो पार्ट रहेगा ये फ्रंट में आएगा, ये सामने की तरफ रहेगा, और ये जो है ये पीछे की तरफ का एरिया है। और प्लेस कैसे करना है, ये सपोर्ट आपको दिया गया है टीवी के पीछे, आप इसको रखेंगे और फिर इसकी हेल्प से आप इसको सिक्योर कर लेंगे। और कैसे रखना है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आपका टेलीविज़न आना चाहिए। ये जो पार्ट है इसकी हेल्प से भी आप इसको और ज़्यादा फॉर्म कर सकते हैं, एक प्लेस पे स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये जो स्टिकर है इसको आपको रिमूव कर देना और जो आपका टेलीविज़न है उसके पीछे यहाँ पर इसको ऐसे लगा देना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी आपको ये दो स्टिकर्स दिख रहे हैं, इन दोनों को भी आपको रिमूव कर देना है। और ये जो पार्ट रहेगा ये आपके टीवी के ऊपर आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर इसको प्लेस करना है। बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए इस डिवाइस के बीच में और टेलीविज़न के बीच में। अब मैं आपको बता देती हूँ जो पीछे पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, व्हाट आर दे। सबसे पहले ये है आपका पावर बटन, USB पोर्ट, ये HDMI पोर्ट है, ये आपका LAN वायर के लिए है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे इसको। ये चार्जिंग के लिए है, और ये है आपका टाइप सी का पोर्ट। तो मेन हमें दो तीन वायर यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये जो हमारा चार्जिंग का वायर है इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा HDMI टू HDMI पोर्ट है, एक एंड इसका यहाँ लगाएंगे, और जो दूसरा एंड है HDMI केबल का उसको हमें टीवी में लगाना है। एक और कनेक्शन हमको यहाँ पर लगाना है, वो है आपका माउस का। मेरा ये वायर्ड माउस है तो इसको मैं इस तरह से ये जो USB पोर्ट है इसमें लगा दूंगी। और इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में जो आपका स्टाइलस है वो कैलिब्रेट नहीं होता है, तो माउस की हेल्प से ही हम सारा नेविगेशन करेंगे। एक बार जब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पेन से ही सारा काम करेंगे। बट बिफोर दैट इनिशियली आपको इसको यूज़ करना है। इसी USB पोर्ट में आप चाहे तो अपनी पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं USB टू USB केबल की हेल्प से। इससे क्या होगा, जो कंटेंट है आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या पेन ड्राइव में, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और टीवी पर उसको यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने सेशंस कंडक्ट करेंगे, क्लासेस लेंगे। तो ये कुछ हमारे बेसिक कनेक्शंस हैं जो हमें पहले करना है। अब हम क्या करेंगे, HDMI केबल को टीवी से कनेक्ट करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही इस डिवाइस को आपको प्लेस करना है अपने टेलीविज़न सेट के ऊपर। सारे कनेक्शंस करने के बाद आपको टीवी ऑन करना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, टीवी जो हम देखते हैं नॉर्मली वो हम देखते हैं HDMI 2 पर, और अभी हमें क्या करना है, हमें स्विच करना होगा HDMI 1। और जैसे ही आप ये स्विच करेंगे इसके बाद इस तरह का विंडो आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है जैसे कि ये 4 रेड मार्किंग्स आप देख रहे हैं, ये चारों कॉर्नर्स पे आ रही हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन केस ये मार्किंग्स आपकी कहीं बीच में आ रही हैं तो आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जाना है सेटिंग्स पर, इसके बाद डिस्प्ले, फिर आपको HDMI सेलेक्ट करना है, स्क्रीन जूम, एंड यू हैव टू एडजस्ट योर स्क्रीन। ठीक है, ये तरीका है। अब क्योंकि हमारी ये जो मार्किंग्स हैं ये प्रॉपरली आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, वील गो टू कन्फर्म। अभी हमारा स्टाइलस यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये काम करेगा जब हमारा प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाएगा और कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम कैसे इसको नेविगेट करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द माउस। जो नॉर्मल हम कंप्यूटर का माउस यूज़ करते हैं
वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसे हमने ऑलरेडी कनेक्ट किस में किया हुआ है, इस डिवाइस में। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो अलाइनमेंट है डिवाइस का बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पर ये जो आप रेड ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर आपका ये डिवाइस का जो सेंटर पार्ट है वो आना चाहिए, और डिवाइस और टेलीविज़न के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। जो दो एंड पे आपको स्टिकर्स दिख रहे हैं उनको आप रिमूव करेंगे और इस डिवाइस को इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करना है कि कोई भी गैप बीच में ना रहे। अब हमको क्या करना है, ये जो कन्फर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम फॉरवर्ड लेके जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो माउस है उससे हम इसको नेविगेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका स्टाइलस है, इसको आपको यूज़ करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, प्रेस ब्रीफली ऑन द रेड डॉट विथ स्टाइलस। फिंगर से नहीं करना है, स्टाइलस से करना है टू कैलिब्रेट। जब आप फर्स्ट टाइम स्टाइलस को यूज़ करेंगे, इसको आपको 3 मिनट के लिए चार्ज करना है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और कैसे पता चलेगा ये चार्ज हो चुका है, जब आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर तो एक रेड लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो रेड डॉट दिख रहा है इस पे टच करना है आपको। जब तक आपको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जब तक आपको ग्रीन टिक नहीं दिख रहे हैं आपको इसको टच करते जाना है। अब जो हमारा स्टाइलस का कैलिब्रेशन है वो हो चुका है, हम प्रेस करेंगे कंटिन्यू पर। नेक्स्ट स्टेप है आपका कनेक्ट टू वाईफाई, तो ये मैं कर देती हूँ। इंस्टॉलेशन और सेटअप करने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका AI कैनवस, एप्स और सेटअप। स्क्रीन पर जब आपको कुछ लिखकर बताना है, जिसके लिए मेनली हम इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओपन अप करना होगा AI कैनवस। और इस AI कैनवस को व्हाइट बोर्ड की तरह कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम समझेंगे इसके फीचर्स और टूल्स को पढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ट्यूटर प्लस डिवाइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करें। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।